हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जो आपका एनएफएटी का सिलेबस है, ठीक है, एनएफएसयू एनएफएटी का जो सिलेबस है उसमें बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो आपका सब्जेक्ट मेंशन है उसके अंदर में आज मैं आपको सेकंड यूनिट पढ़ा रही हूँ। लेक्चर नंबर 2 है ये, जिसमें हम क्राइम सीन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मेरे पहले वाले वीडियो पे कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि आपको जो है ये डिटेल्ड वाला जो आपको सिलेबस है वो किसने दिया, तो मैं उन बच्चों के लिए ये बताना चाहती हूँ कि बेटा मैं 5 साल से फॉरेंसिक साइंस मैंने खुद पढ़ी है, 5 साल, ठीक है, और पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्या टॉपिक्स आते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनएफएटी दे चुके हैं, जो एनएफएस में पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे डिस्कस करके और उस तरीके से पूरा ये जो है आपको लेक्चर्स में प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही जो है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ और ना ही कभी भी जो है गलत पढ़ाती हूँ। इसलिए आप टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री होके ट्रस्ट करके बस आपको यहाँ पे पढ़ना है। ट्रस्ट मी गाइज, मैं जो यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाऊंगी आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा बाहर से। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत नहीं, अगर आपने मेरे लेक्चर्स प्रॉपरली देख लिए, ठीक है, और सुन लिए और वही आपने नोट डाउन कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशियंट टू कवर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। आप एनएफएटी के किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, कोई भी कोर्स हो, बीएससी, एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी, फॉरेंसिक साइंस, एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी कोर्स है, अगर उसके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस है तो ये सेम आपको पढ़ना है। इसीलिए आप एनएफएटी के कोई भी कोर्स में आप एग्जाम देने वाले हो उसके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस है तो आपको मेरे वीडियोस देखने हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर करने, जिससे कि वो भी पढ़ाई कर सकें। इज दैट क्लियर? तो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्राइम सीन मैनेजमेंट। इसके पहले चलो हम पहले टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी। टॉपिक्स क्या रहेंगे कि वॉट इज क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम सीन मैनेजमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर सीन ऑफ क्राइम, प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, सर्च मेथड्स क्या होती है, सीन ऑफ क्राइम का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, नोट मेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्केचिंग, स्केचिंग की मेथड्स होती है बहुत सारी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ड्यूटीज क्या होती हैं, पूरा जो है आपका ये क्राइम सीन मैनेजमेंट इसमें यही टॉपिक्स आते हैं स्पेसिफिकली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आपका जो एनएफएटी का सिलेबस है, ओके, एनएफएटी के सिलेबस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये जनरल सिलेबस है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज का, ठीक है, बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो मेरे इसी चैनल पे, ठीक है। आपको क्लासेस कब कब होंगी, TTS यानी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे आपको मेरी क्लास मिलेगी, किसकी, फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स की। और बायोलॉजी के लेक्चर्स जो है वो मेरे सेकेंड चैनल पे, ध्यान से सुनना, मेरा एक और चैनल है बायोलॉजी बाय प्रियांशी के नाम से, उस पर भी मेरी एनएफएटी की बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ये लेक्चर्स आते हैं मंडे, वेंसडे और आपका फ्राइडे, क्लियर, ओके। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपको मेरे सेकंड चैनल पर बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे, ध्यान रखना। तो पूरे वीक, कंप्लीट वीक आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आप अपनी एनएफएटी की प्रिपरेशन मेरे साथ में करोगे, इज दैट क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना, शाम को 6 बजे, एवरीबॉडी फोकस ऑन टाइम, शाम को 6 बजे डेली लेक्चर आएगा, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको फॉरेंसिक का लेक्चर मिलेगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे आपको बायो का लेक्चर मिलेगा सेकंड चैनल पे। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में एंटर हो रहे हो और आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं है, आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है या आपको कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है फैमिली में जो इस फील्ड से बिलोंग करता हो, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानो, क्योंकि बहुत
बहुत सारी चीजें होती है, छोटी 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 चीजें होती है जो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस फील्ड में आपको कोई गाइड नहीं करेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट को आपको कोई प्रॉपर गाइड करे जिससे कि आप इस फील्ड में बहुत कुछ सक्सेस पा सको, और जो है आप जो भी आप चाह रहे हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बनना, या फिर जो है आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हो, या फिर आप लैब में काम करना चाह रहे हो, सीआईडी में, आईबी में, और जितनी भी सीबीआई है इनमें काम करना चाहते हो, इन सब के लिए आपको जानना जरूरी कि इनका प्रोसेस क्या होता है। तो वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी जब आप मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे वन ऑन वन काउंसलिंग में, तो मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू बात करूंगी और आपके एक एक डाउट को क्लियर करूंगी। तो आप रजिस्टर कर सकते हो, इवन अगर आपको एनएफएटी, सीयूईटी या किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको बस क्या करना है, इस दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रजिस्टर करना है और मेरी काउंसलिंग लेनी है। क्लियर एवरीवन? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो भाई, क्राइम सीन क्या होता है? सबसे पहले क्राइम सीन समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है क्राइम क्या होता है। क्राइम एक कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट होता है जो कि बेसिकली ऐसा एक्ट, अनलॉफुल एक्ट जो लॉज के अगेंस्ट है, जिसके लिए पनिशमेंट दी गई है और जो कानून में लिखा हुआ है कि ये क्राइम है। समझ गए? ठीक है, तो वो क्राइम कहलाता है। एनीथिंग विच इज अनलॉफुल, क्राइम इज अ अनलॉफुल एक्ट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आप क्राइम सीन क्या होता है? क्राइम सीन कुछ नहीं होता है, क्राइम सीन जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ, ये देखो ये जो महान व्यक्ति है इन्होंने यहाँ आग लगाई है, यहीं पे खड़े होकर टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद भाग जाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये क्राइम लोकेशन है। ठीक है, ये क्रिमिनल है, पर ये यहाँ रुकेगा नहीं कि आओ पुलिस मुझे पकड़ के ले जाओ, इतना मान कोई क्रिमिनल नहीं है, भाग जाएगा यहाँ से। ठीक है, भाग जाएगा तो इसके यहाँ पे फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ इसने जो है वहाँ पे एविडेंसेस छोड़े होंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही यहाँ पे, क्योंकि ये भाई साहब खड़े होकर नजारा देख रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से भाग जाएंगे। तो दिस इज द प्राइमरी क्राइम सीन। क्राइम सीन भी बहुत टाइप के होते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगी कितने टाइप्स के होते हैं। तो सीन ऑफ अकरेंस वो होता है जहाँ विक्टिम हो, परपेट्रेटर मीट करे हो। ठीक है, जैसे मान लो ये विक्टिम है, इसने किसी को आग लगा दी है और यहीं पर जला कर आया, वो इंसान जल रहा है, विक्टिम जो है, तो ये क्या है, ये परपेट्रेटर है, ये विक्टिम है। ठीक है, और कोई भी फिजिकल लोकेशन जहां पे सस्पेक्ट किया गया है कि यहाँ क्राइम हो सकता है वो क्राइम सीन कहलाता है। सीन ऑफ क्राइम की डेफिनेशन बनवा रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो जाना, सीन ऑफ क्राइम क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, सीन ऑफ क्राइम से ही हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमें विक्टिम की और सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, क्राइम सीन में पर्सन की बॉडी, यहाँ पे देखो बॉडी हो सकती है, बिल्डिंग है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, व्हीकल हो सकता है, बाहर इसने गाड़ी पार्क कर रखी हो, ऑब्जेक्ट फाउंड एट दोज लोकेशन, यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट है सब कुछ जो है ये क्राइम सीन के अंदर में आता है। क्लियर? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और जानते हैं। सीन ऑफ अकरेंस जिसको हम क्राइम सीन भी बोलते हैं, ये इसका एरिया लिमिटेड नहीं है कि जो अभी हमने पहले एक फोटो देखी थी कि बस इतने ही में क्राइम कमिट हुआ है तो हम बस इतना ही इन्वेस्टिगेट करेंगे, नो। ठीक है, ये कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ क्राइम कमिट करा, बॉडी ले जाके कहीं और गड़ा दी, फिर आधा पार्ट यहाँ गड़ाया, आधा पार्ट वहां गड़ाया, ऐसे करके जो है बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया, तो ये सब क्राइम सीन्स है। फिर जहां जहां वो सस्पेक्ट जा रहा है दोज ऑल आर क्राइम सीन। समझ गए बात को? लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राइमरी क्राइम सीन से, मेन इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है वहीं से होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्राइम सीन डिपेंड करता है किस तरीके का क्राइम कमिट हुआ है। मान लो कोई व्हीकल पे क्राइम कमिट हुआ है, मान लो चलती हुई बस में, जो निर्भया केस था वो चलती हुई बस में क्राइम कमिट हुआ था, तो जहां से बस स्टार्ट हुई है जहां तक जाके रुकी है वो पूरा का पूरा क्राइम सीन है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में कभी भी दो क्राइम सीन्स सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मान लो एक जो है वो रॉबरी का केस है, ठीक है, और एक जो है एक्सीडेंट का केस है, तो ये दो केस कभी भी बेटा सेम नहीं हो सकते हैं, है ना, सेम कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ मर्डर हुआ एक लोकेशन पे, यहाँ मर्डर हुआ दूसरे लोकेशन पे, तो ये भी क्राइम सीन सेम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मोडस ऑपरेंडी सेम हो। अभी नया वर्ड मैंने बोल दिया, मोडस ऑपरेंडी। बच्चों, मेरे पीपीटी से ज्यादा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगी जो आपके लिए नए होंगे, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड, उनके लिए फॉरेंसिक साइंस एकदम नया है एंड इंटरेस्टिंग टू। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है, नया भी है, तो बहुत ध्यान से सुना मेरी बात। मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है? जैसे हम सुनते हैं कभी कभी कि क्राइम, मोडस ऑपरेंडी बेसिकली क्राइम करने का तरीका। बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं कि जो ना क्राइम करने का तरीका सेम रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं जगहों पे चल रहा था, बीच में एक चल रहा था कटर गैंग,
कटर गैंग ऐसे टाइप का एक वो चल रहा था कि एक गैंग थी जो रोड पे चलते लोगों को कटर मारती थी, तो उनका क्या कटर गैंग नाम रख दिया, क्यों? क्योंकि पता था कि वो कटर से ही मारेगी, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कटर, ठीक है। ऐसी एक जो थी गैंग चली थी चड्डी बनियान गैंग, वो लोग क्या करते थे, बेसिकली कच्चा बनियान पहन के घूमते थे, पूरे बॉडी पर ऑयल लगा लेते थे, और फिर जो है मोस्टली जो रिच पीपल होते थे उनके घर में एंटर करते थे, और वहां जाके क्या करते थे, रिच पीपल और जो ओल्ड है भाई, बुजुर्ग लोग हैं घर में हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो नहीं दौड़ सकते, नहीं भाग सकते हैं, और उनके पास बहुत पैसा है, अकेले रहते हैं, ऐसे घरों को वो टारगेट करते थे, वहां पहुंचे वो उनको पहले तो वो मारते थे, ठीक है, उनके सर पे कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है, ब्लंट समझ रहे हो, जिनमें धार नहीं होती है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनको पहले मारते थे, उनके सर पे मारते थे और उनको उनका मर्डर करते थे, फिर वहां पे सबको चुराते थे और भाग जाते थे। सो दैट वाज चड्डी बनियान गैंग, और उनका नाम ही यही रखा गया था, दिल्ली का है ये केस, आप लोग इस पे वेब सीरीज भी देख सकते हो, मुझे वेब सीरीज का नाम याद नहीं है पर हाँ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो देख सकते हो। तो ये क्या है, मोडस ऑपरेंडी, उनके मारने का तरीका, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी, समझ में आ गया। चलो अब देखो, दो क्राइम सीन कभी भी सेम नहीं होते हैं, क्राइम सीन हमेशा वेल प्रोटेक्टेड हो, जैसे आप देख सकते हो ये लाइन दिख रही है, पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस, कोई क्राइम सीन है तो पुलिस उसको कवर करती है कि कोई भी आलतू फालतू लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं, कंटेमिनेशन कॉज नहीं कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्राइम सीन के ना बहुत से टाइप होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था क्राइम सीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो लोकेशन के बेसिस पे प्राइमरी क्राइम सीन, सेकेंडरी क्राइम सीन, प्राइमरी जहाँ पे मेन क्राइम हुआ है, फिर वो सस्पेक्ट जहां जहां भागा है वो सेकेंडरी क्राइम सीन हो जाता है, क्लियर हो गया, ये हो गई। फिर इसके बाद में साइज के बेसिस पे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज्यादा एरिया है, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे से एरिया में क्राइम कमिट हुआ है, इस रूम के अंदर ही हुआ है, वहीं पे सब कुछ वहीं मिल गया, मतलब सुसाइड का केस है, अब सुसाइड का केस है तो वहीं पे खत्म हो जाता है, शुरू होती खत्म हो जाता है कि भाई जो है, और प्रूफ हो गया कि सुसाइड है, कि भाई यहीं पे इसी रूम में पूरा कमिट हुआ है, तो वो माइक्रोस्कोपिक छोटा सा एरिया है। फिर कंडीशंस ऑफ क्राइम, क्राइम बहुत तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी पूरा प्री प्लान्ड सब कुछ रहता है, ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ क्राइम है कि इन्होंने पूरा प्लानिंग करके और किया है, डिसऑर्गेनाइज यानी कि कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, उन्होंने बस रैंडमली यहाँ पे क्राइम हुआ, वहाँ पे क्राइम हुआ, वहाँ पे क्राइम करा, दैट इज, ठीक है। फिर क्रिमिनल बिहेवियर के बेसिस पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिव पैसिव वो तो छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसमें ऐड कर दिया, बाकी ये मेन है प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। फिर फिजिकल में यहाँ पे इंडोर आउटडोर और ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम मोबाइल भी बोल सकते हैं, इंडोर आउटडोर और मोबाइल, तो ये पांच बहुत ध्यान रखने हैं आपको, प्राइमरी क्राइम सीन, सेकेंडरी क्राइम सीन, फिर इंडोर हो सकता है घर के अंदर चार दीवारी के अंदर, आउटडोर खुले में, ट्रांसपोर्टेशन इसे मोबाइल क्राइम सीन बोलते हैं, यानी कि चलती हुई गाड़ी में व्हीकल में क्राइम कमिट हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका मोबाइल क्राइम सीन। और क्या ध्यान रखना है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, बस इतने ही मेन नाम याद रखने हैं। फिर से बता दूं कि एक बार, चलो फिर से सुन लो, हमें ध्यान रखना है लोकेशन के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी इंडोर आउटडोर और मोबाइल, ठीक है, साइज के बेसिस पे मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, बस इतना याद रख लो, सफिशियंट है, इतने ही पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर कि अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे क्या होता है कि जब क्राइम कमिट होता है ना इंडिया में, तो यूजुअली क्या करते हैं, इंडिया में जब क्राइम कमिट होता है तो पुलिस तक खबर जाती है, सबसे पहले पुलिस जाती है वहां पे, पुलिस पहुंचेगी वहां पे और उसके बाद में फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो, अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो हर केस में फोरेंसिक टीम नहीं जाती है। और अभी अभी जो एक नया रूल ऐसा निकाला गया है कि ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, ऐसे क्राइम्स में फोरेंसिक टीम को बुलाना कंपल्सरी कर दिया गया है, ठीक है। ये अभी अभी निकाला गया है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, हो जाएगा ये लागू, पर ये निकाला गया है नया रूल, समझ गए बात को। तो फर्स्ट रिस्पोंडर, अब वर्ड आती, किसने सबसे पहले देखा कि वहां डेड बॉडी पड़ी है, बॉडी पड़ी है, डेड है अलाइव हमें नहीं पता, बॉडी पड़ी है, तो सबसे होता है पहला फर्स्ट रिस्पोंडर। फर्स्ट रिस्पोंडर की क्या ड्यूटी होती है, हम पहले वो देखते हैं फिर हम बाकी की बात करेंगे। तो अगर कोई फर्स्ट रिस्पोंडर है, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट रिस्पोंडर हमें जानना जरूरी है
जिसने सबसे पहले क्राइम सीन को देखा है, वहां पर रिस्पॉन्ड किया है, मान लो उसको वहां बॉडी भी देखी थी, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, ठीक है। तो वहां पर पुलिस आई, सबसे पहले उन्होंने देखा, इवैल्यूएट द सिचुएशन, सिचुएशन को देखो कि क्या है, बॉडी पड़ी है, बॉडी को चेक करो, अलाइव है अगर तो सेंड हिम टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोवाइड करो, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है। हम सबसे पहला काम होता है लाइफ बचाना, सबसे पहला ड्यूटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की होती है लाइफ बचाना। फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस भी हो सकती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है, तो लाइफ बचाना सबसे पहला काम है, इमरजेंसी फर्स्ट एड दो उसको, हॉस्पिटल लेके जाओ। इसके बाद में मान लो अगर लगता है कि जो बहुत सीवियरली इंजर्ड पर्सन है, पुलिस पहुंच चुकी है, बहुत सीवियरली इंजर्ड पर्सन है कि जिसके बचने के चांसेस बिल्कुल ही बहुत ही कम परसेंटेजेस हैं, तो फिर हम उसे डाइंग डिक्लेरेशन लेते हैं। अब भाई अब दिमाग में आ रहा होगा, मैम ये डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। मरता हुआ व्यक्ति अपने जीवन के जब आखिरी सांसें गिन रहा हो उस टाइम पर वो झूठ नहीं बोलता है, तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, उस टाइम पर उससे सवाल किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। मे बी वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे दे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे, जैसे कि हमें उस क्राइम के बारे में पता लग सके। तो इसीलिए अगर वो बहुत सीवियरली इंजर्ड पर्सन है तो डाइंग डिक्लेरेशन लिया जाता है, ठीक है। फिर अब वहाँ पे मान लो सस्पेक्ट है, ठीक है, अगर एक एक से ज़्यादा सस्पेक्ट है उनको आइसोलेट करो, अगर लग रहा है कि इसी ने क्राइम किया तो अरेस्ट कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉर्डन द क्राइम सीन विथ व्हाटएवर मटेरियल लाइक रोप या स्ट्रॉ। फिर इसके बाद में बेसिकली कॉर्डन का मतलब होता है कि क्राइम सीन को आप जो है प्रोटेक्ट कर लो, प्रोटेक्ट कर लो कि कोई और वहाँ पे एंटर ना हो सके। ये मेन ड्यूटीज होती हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर की। अब चलो हम बात करते हैं आगे की, जो अभी मैंने पीछे छोड़ दी, आगे की बात करेंगे जो मैंने पीछे छोड़ दी है, मुझ पर वापस आते हैं कि क्राइम सीन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने सिक्योर कर लिया, वो तो हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ड्यूटी बता दी कि हमें जो है लाइफ बचानी है, हॉस्पिटल भेजना है, डाइंग डिक्लेरेशन लेना है, अगर सीवियरली इंजर्ड है तो सस्पेक्ट्स को दूर दूर करना है। अब हमें यहाँ पे 7S रूल होता है, फॉरेंसिक साइंस में 7S रूल होता है, 7 स्टेप होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला होता है सिक्योर दी सीन, सीन को सिक्योर करना, यानी कि वो या तो बहुत सारे तरीके होते हैं सीन को प्रोटेक्ट करने के, क्योंकि दूसरे जो है जनरल पब्लिक है, इवन जो पुलिस के सारे लोग नहीं जा सकते हैं, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर ही जा सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही जा सकता है। तो यहाँ पे सिक्योर करते हैं, या तो हम बैरिगेट्स लगाते हैं, जो बैरिगेट्स आते हैं ना, बैरिगेट लगा दो, बैरिगेट्स नहीं है तो जो टेप होता है, क्राइम सीन प्रोटेक्शन टेप होता है, वो लगा के यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दो, या फिर कुछ भी नहीं है तो जो ऑफिशियल व्हीकल्स होते हैं ना, जीप हो गई, गाड़ियां हो गई, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, उनको चारों तरफ लगा दो कि कोई एंटर ना कर पाए। वो भी नहीं है तो आपके पास लोग हैं, अगर लोग यानी कि पुलिस के ऑफिसर्स आपके पास है तो उनको खड़े कर दो। ये कुछ तरीके होते हैं क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के, समझ गए। फिर इसके बाद में कई बार क्या होता है, क्राइम सीन जब होता है तो क्राइम कमिट होता है तो सब लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग करने, क्या चल रहा क्या चल रहा क्या चल रहा, आपस में खुसुर बुसुर खड़े रहते हैं, भाई साहब क्या हुआ, अरे बहन जी वो ऐसा हुआ, अरे चाचा ऐसा हुआ, अरे फूफा ऐसा हुआ, ये सब बातें करके क्या करते हैं, विटनेस जो होता है। अब जो लोग खड़े हैं वो विटनेस है हमारे लिए, वो विटनेस जो होता है, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, और जब बताते हैं एक दूसरे को तो उसमें मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं। इसीलिए विटनेस इसको सेपरेट कर दो, दूर दूर कर दो, कि जो विटनेस हमें लग रहा है उनको दूर कर दो, नहीं तो वो अपना मिर्च मसाला ऐड करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, दूर दूर रहेंगे, आपस में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो है हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सेपरेट दी विटनेस, फिर स्कैन दी सीन। अब पूरे सीन को अच्छे से जाके देखो, स्कैन करो, स्कैन का मतलब ये नहीं कि फोन लेके स्कैन करने लगे, स्कैन का मतलब है कि अपने नजरों से पूरा देखो कि क्या हो सकता है, क्या है, क्या क्या चीजें मिल सकती है, इस तरीके से स्कैन करो। सीधा सीन वही सेम चीज है, अब भाई हमने स्कैन कर लिया, पूरा देख लिया किस तरीके से, अब हम क्राइम सीन को प्रॉपरली देखेंगे, अब हम जो है वहां पे जाके एविडेंसेस को सर्च करना स्टार्ट करेंगे। हमने पहले तो सीधा सीन यानी कि हमने पूरा निगाहें डाल ली अपनी, स्कैनिंग एंड सीइंग इज ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। फिर स्केच द सीन, अब होती है स्केचिंग। स्केचिंग के कुछ कुछ तरीके होते हैं, एक होता है रफ स्केच, एक होता है फिनिश्ड स्केच, आगे बताऊंगी मैं। डॉक्यूमेंटेशन रहता है,
तो बेसिकली स्केच द सीन में आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आता है, क्योंकि हमें ये रूल होता है फॉरेंसिक का कि आप कभी भी जो है वहां पे एविडेंसेस को तब तक टच नहीं करोगे जब तक आपने उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया। हर चीज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, स्केच बनते हैं, उसके बाद ही एविडेंसेस सर्च करने के लिए जो ढूंढ रहे हैं ना एविडेंसेस, यहाँ पे अंदर देखो लाइट है तो ये फोटोग्राफी कर रहा है बंदा एक, तो फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। जो जिस चीज जैसी भी पोजीशन में प्रेजेंट है उसकी पहले फोटो लो वीडियो लो, फिर जाके आप उस पर जो है छेड़खानी करोगे, क्लियर है। फिर होता है सिक्योर एंड कलेक्ट द एविडेंस, पर जो भी हमें एविडेंस मिले हैं इन भाई साहब को जो भी एविडेंस मिलेंगे वो एक एनवलप में या फिर जो भी कलेक्शन की और पैकेजिंग की प्रोसीजर होती है वो मैं नेक्स्ट यूनिट में आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके के फिजिकल एविडेंस मिल सकते हैं, कैसे कलेक्शन होता है, कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे हम उसको लैब तक भेजते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पूरा पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिक्योर कर लिया उसको, एविडेंस को कलेक्ट कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, पैक कर लिया और लैब भेज दिया। दीज आर दी 7S steps, ये 7 steps होते हैं जो मैंने आपको एक बार में सारे एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? लाइव चैट में सभी लोग एक्टिव रहिएगा, मुझे बताते जाइएगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या डाउट्स है, यू कैन आस्क मी देयर, क्लियर। चलो अब देखो हम क्राइम सीन प्रोसीजर की बात करते हैं। ये वही प्रोसीजर है बेसिकली, 7S जो है वो तो आपका मेन ऑफिशियल रूल होता है, बाकी ये भी कुछ स्टेप्स है। रिकॉग्निशन, पहले तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे क्राइम सीन है कौन सा, फिर हम डॉक्यूमेंट करेंगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नोट मेकिंग स्केचिंग से हम पूरा डॉक्यूमेंट कर लेंगे, फिर हम उसको कलेक्ट करेंगे, फिर जाके हम ढूंढेंगे एविडेंस को, फिर कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, लेबल करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो है क्राइम सीन की प्रोसीजर रहती है। समझ में आ गई? मैंने पहले ही बता दी तो कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। अब देखो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाता है, एक चीज समझना कि रिकंस्ट्रक्शन तब किया जाता है क्राइम सीन का कि जैसे हमें क्राइम समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का क्राइम हुआ होगा, फिर ऑर्डर्स आते हैं ऊपर से कि आप क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करके देखो। उसमें क्या फायदा होता है जब पुलिस क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हम जनरली लोगों की कहानियों से या प्रेडिक्शन से नहीं समझ पा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन से हमें कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। बहुत तरीके के बेटा रिकंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको बेसिक्स पूछा गया है, इसलिए हम बेसिक्स में आपको सब बता रहे हैं। जब भी कोई भी क्राइम कमिट होता है तो पहले हम उसको स्कैन करते हैं, सर्वे करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, कलेक्शन प्रिजर्वेशन करते हैं, फिर हम जो है आइडेंटिफिकेशन होता है, सारी चीजें लैब पहुंच गई, उनका कंपैरिजन होगा, टेस्टिंग होगी, फिर रिपोर्ट आएगी, इंटरप्रिटेशन होगा, रिपोर्ट आएगी और हम उसको जो है प्रेजेंट करेंगे। मतलब बेसिकली सिंपल सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल बिल्कुल भी मैं यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहती, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब लोगों को समझाऊंगी। क्राइम कमिट हुआ, क्राइम कमिट होने के बाद में वहाँ पुलिस पहुंची, उसने सिक्योर किया, एविडेंसेस को कलेक्ट किया, लैब भेज दिया, लैब में क्या होगा आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, ठीक है, वहां से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट को एवेल्युएट कर लिया और रिपोर्ट के हिसाब से हमने कुछ इंटरप्रिटेशन लगाए कि अच्छा ये ऐसा रिजल्ट आया है, यानी ये ऐसा क्राइम सीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बताया, हमने परमिशन ली, परमिशन लेने के बाद में हमने जो है क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करा, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से होता है, पूरे क्राइम सीन का भी होता है, एक छोटे से पार्ट ऑफ क्राइम सीन का भी होता है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें हो सकता है प्राइमरी क्राइम सीन हो, सेकेंडरी क्राइम सीन हो, तो हमें सिर्फ प्राइमरी क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना हो, या फिर छोटा सा पार्ट, इतना बड़ा क्राइम था हमें छोटा सा पार्ट रिकंस्ट्रक्ट करना हो, अलग अलग तरीके के होते हैं वो। आप चाहो तो मैंने डिटेल्ड वीडियो देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है पूरा क्राइम सीन मैनेजमेंट के नाम से, बट अभी आएगा नहीं आपके एनएफपीटी में, तो हमें बस इतना ही जानना है कि रिकंस्ट्रक्शन कब और क्यों और कैसे किया जाता है। समझ आ गया? अब देखो डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करें तो क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वही मैंने बताया कि अगर आप बिना डॉक्यूमेंट करे क्राइम सीन में छेड़खानी करते हो तो आप पे ही नाम आ जाएगा कि आपने क्राइम किया है, इसलिए संभल के सब कुछ ओरिजिनली फोटोग्राफ कर लो। और एक और रीजन होता है बेटा, आप पे नाम आना तो ठीक है, तो मैं मजाक कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करना होता है तो उस टाइम पे जब हमें ओरिजिनल फोटोग्राफ्स मिलते हैं, ओरिजिनल वीडियो मिलता है, तभी हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ओरिजिनली ये ऐसे प्रेजेंट था। इसीलिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर होती है नोट मेकिंग। जब भी हम क्राइम सीन पे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो एक बंदा जो होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो नोट्स बनाता है, एक एक चीज मेंशन करता है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, वो नोट्स बना रहा होता है। फिर एक बंदा जो है स्केचिंग कर रहा होता है। स्केचिंग क्राइम सीन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो रफ स्केच
स्केच बनता है जो तुरंत इमीडिएटली बिना किसी मेजरमेंट के खड़े खड़े फटाफट से जैसा बन रहा है वैसा बना दो। एक फिनिश्ड स्केच बनता है जिसमें पूरे के पूरे मेजरमेंट लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, 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 हर जगह मेजरमेंट लेके यहाँ पे स्केच बनाया जाता है। क्लियर? तो वो होता है फिनिश्ड स्केच। फिनिश्ड स्केच बनाने की कुछ मेथड होती है, जैसे ट्रायंगुलेशन मेथड होती है, बेस लाइन मेथड होती है। तो ये मेन जो दो मेथड्स हैं यूजुअली ये यूज की जाती हैं। इसमें भी आपको इतना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है। बस अब देखो क्राइम सीन के एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम। एलिमेंट्स में आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अब होता क्या है कि देखो यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारा क्राइम कमिट हुआ है, हमने जो है यहाँ पे सिक्योर कर रखा है, ये मेन एरिया है, ठीक है। अब मेन एरिया के बाजू में हम एक और कवरिंग लगाते हैं जहाँ पे बाकी के पुलिस वाले खड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये दूसरी लेयर। तीसरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो रहती है, अब यहाँ पे कौन अलाउड रहता है, यहाँ पे मीडिया पर्सन, ठीक है, यहाँ मीडिया के लोग खड़े हो सकते हैं। और फिर बाकी की जो पब्लिक होती है वो पूरे बाकी के एरिया में खड़ी होती है। अब एक बार ध्यान से सुनना कि यहाँ पे ना एक 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 बोर्ड होता है, यहाँ पे ऐसे ना एक बना के रखते हैं, ठीक है, कि चेक पॉइंट टाइप का रहता है कि यहाँ से सब देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, चारों तरफ नजरें घुमाए रहते हैं। तो ये एक चेक पॉइंट टाइप का होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, देनी है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं इस एरिया में, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और फॉरेंसिक टीम होती है बस। इवन पुलिस वाले भी अलाउड नहीं होते हैं, पुलिस वाले जो है इस रो के इस वाली लाइन के अंदर नहीं आ सकते, आप यहाँ तक खड़े हो सकते हो। मीडिया वाले इस लाइन के अंदर क्रॉस नहीं कर सकते, आपके लिए ये एरिया बनाया गया, आप यहाँ खड़े हो सकते हो। ये होता है सिक्योरिटी में, ठीक है, मैंने ये एक्स्ट्रा पढ़ाया आपको क्योंकि ये आपको ऐसे अलग से कोई नहीं बताने वाला है, तो यहाँ मैंने पढ़ा दिया। अब देखो हम बात कर रहे थे कि क्राइम सीन मैनेजमेंट में किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैनेज करना आना चाहिए, कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसी इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए और उसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास में प्रॉपर हर चीज़ को मैनेज करने के लिए वो होनी चाहिए, मशीन्स, इक्विपमेंट, पर्सन, ठीक है। मशीन से यानी कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो उनको कैसे कलेक्ट करना है, थोड़ा सा लॉजिक क्राइम सीन के हिसाब से लॉजिक लगाना होता है, किस टाइप का क्राइम कमिट हुआ है उसके हिसाब से लॉजिक लगा के हमें एविडेंसेस को कलेक्ट करना होता है और उन्हें मैनेज करना होता है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। फिर मैन पावर मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि दो ही आदमी है, लोग ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है, तो मैन पावर तो बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एक चेक पोस्ट पे होना चाहिए कोई ना कोई, तो मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रॉपर जो है एजुकेटेड पर्सन, ट्रेंड पर्सन वहाँ पे होने ज़रूरी है। फिर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके पास में सारे इक्विपमेंट होने चाहिए जो एविडेंस सर्च करने के लिए यूज़ होते हैं, प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं। इवन वहाँ पे इंस्टेंटली बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी आपके पास में होनी चाहिए। तो क्राइम सीन मैनेजमेंट के ये इन चार चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये समझ लो, इतना ही जानना जरूरी है। अब सर्च मेथड, जब भी कोई क्राइम सीन होता है तो वहां पे ना हर क्राइम सीन के हिसाब से इन्वेस्टिगेटर अपने तरीके से क्राइम सीन मेथड लगाता है, तो कुछ कुछ मेथड्स मैं आपको बता देती हूँ। पहली है यहाँ पे ग्रिड मेथड, ठीक है। ग्रिड मेथड में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ग्रिड बन रही है ऐसी, ठीक है, पहले ऐसे सर्च करेंगे, फिर वो ऐसे सर्च करेंगे, मतलब यहाँ गए, फिर यहाँ, 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 ऐसे, ये ग्रिड होता है। फिर इनवर्ड स्पायरल, इनवर्ड स्पायरल मतलब बाहर से चालू कर रहे हैं और अंदर तक सर्च कर रहे हैं। फिर आउटवर्ड यानी सेंटर से स्टार्ट करा और बाहर तक सर्च किया, ये आउटवर्ड स्पायरल है। फिर ये है स्ट्रिप, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से किया, 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 ठीक है। और फिर है ये कौन सा, ये है जोन, यहाँ पे जोन डिवाइड कर दिया, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर, और जरूरत पड़े तो इसको और छोटे छोटे जोन में डिवाइड कर दो। एक और यहाँ पे होती है व्हील, इसमें मेंशन नहीं है। व्हील में क्या होता है, व्हील कैसा होता है, ऐसा है ये तुम्हारा, ये कलर नहीं दिख रहा है, ये है, ठीक है। अब व्हील में हम ऐसा, ये डिवाइडेड है, व्हील में बेसिकली सेंटर से यहाँ जाते हैं, फिर एक यहाँ बंदा जाएगा, एक बंदा यहाँ जाएगा, एक बंदा यहाँ जाएगा,
इस तरीके से जो है व्हील मेथड में काम होता है। तो अलग अलग क्राइम सीन पे अलग अलग जो है मेथड लगाई जाती है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पे कि वो किस मेथड में ज्यादा कंफर्टेबल है, उनके पास कितने लोग हैं, क्या टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से मेथड लगाते हैं। क्लियर हो गई बात। ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, और क्राइम सीन मैनेजमेंट में आपको सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, कितने टाइप के क्राइम सीन होते हैं, क्राइम सीन क्या होता है, और जो है क्राइम सीन मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्राइम सीन सर्च मेथड्स क्या होती हैं। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट था और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप ये वीडियो जो है लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको जो है किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, या कॉम्बिनेशन में कंफर्टेबल हो, कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। देखो मुझे इतना ही लैंग्वेज आती है, हिंदी या इंग्लिश, तो इन दोनों में से मैं एक में पढ़ा पाऊंगी, तो मुझे बताना। और दूसरी बात मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि अगर आप फॉरेंसिक की फील्ड में एंटर कर रहे हो बच्चों, प्लीज एक बार आप मुझसे जरूर बात कर लेना। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप सभी को इस फील्ड के बारे में प्रॉपर गाइड करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।